बताएंगे भाई अभी इस टाइम पे ट्रिप करना सही रहेगा नहीं रहेगा फैमिली के साथ में मॉनसून जैसा, वो सारी चीजें बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, तो आपको सारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। शुरू हो गई है अब सेकेंड झटकी है, दिन में थोड़ा खुल गया था 4-5 घंटे के लिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ऐसे मौसम में भाई। बट अगर आपने अपनी ट्रिप प्लान कर रखी है तो भाई अपनी ट्रिप। सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई दोपहर का टाइम है, सुबह से बारिश हो रही थी तकड़ी वाली, आपने एक व्लॉग देखा होगा लास्ट जिसमें मैंने हाई अलर्ट हो रखे थे उसके बारे में बताया था, लगातार 5 घंटे बारिश पड़ी है, 5-5.5 घंटे लगभग, और भाई सारे पानी पानी हो गया था जैसा उस वीडियो में मैंने दिखाया था। अभी बारिश रुकी है थोड़ा सा, तो भाई अब अपने काम में लगते हैं, मुझे पहले कैफे उफे पे काम करने हैं 2-4, क्योंकि उसमें पूरा पानी आया पड़ा है अंदर तक, कंडीशन देख ली तो कहोगे क्या इसमें बैठेगा कहाँ आदमी, ऐसी हो रखी है अभी। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये ब्लॉग, और थोड़ा जो जो काम करेंगे वो आपको दिखाते हैं, प्लस कैसा वेदर होने वाला है, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है या रुक गई है, वो सारा कुछ आपको आगे अपडेट देते रहेंगे साथ के साथ ही। तो भाई अपडेट हर वीडियो मिलते रहेंगे, मिस मत करना अगर आप गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। तो जी थोड़ी बारिश रुकी थी और बीच में धूप भी निकल गई, और अब शाम के टाइम में फिर बादल हो गए, टाइम हो रहा है 4:15 का, और भाई अपना कैफ़े ओपन हुआ है आज 2 दिन के बाद, 2 दिन बंद था पिछले, तो ओपन तो कर दिया है पर अभी क्या है इस पर मुझे तिरपाल बांधना है, जो बारिश बंद होगी तभी बांध पाऊँगा, ऊपर एक और तिरपाल आया रखा है जो बंधना है, कि जगह जगह पानी बहुत आया है। अभी ये पिछले जो 2 दिन थे ना जो तकड़ी बारिश थी भाई, बहुत पानी अंदर आया है, सब यहाँ नीचे पानी पानी हो गया था, उधर तक पानी गया है, ये देखो रूम फ्रेशनर भी ये हो गए क्या हुआ पड़ा इसका, सब नीचे का बहया है सामान बहुत। चलो करेंगे इसको भी हो जाएगा सब धीरे धीरे, फिलहाल जी शाम का वेदर ऐसा हो गया, अब जब से बारिश रुकी है तब से हुई नहीं है, और पानी भी हल्का हो गया, जो खेतों में पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा वो कम हो गया अब। तो दिन खुल गया था लेकिन 7 बजे फिर से बारिश होने लगी है तकड़ी वाली है, पालो लेन हाँ अभी पता नहीं पूरा उसका आइडिया नहीं है। तो जी शाम का टाइम है, 7 बजे फिर से बारिश होने लगी, शुरू हो गई है अब सेकेंड झटकी है, दिन में थोड़ा खुल गया था 4-5 घंटे के लिए, बड़ा अच्छा हो गया था। सो गुड मॉर्निंग, अगली सुबह है, और जी जैसा कि कल दिखाया मैंने बारिश खूब हो रही थी लेकिन बीच बाद में रुक गई थी, जो पिछला व्लॉग आपने देखा होगा लेटेस्ट अपडेट का भाई, उसमें ना काफ़ी बारिश हुई थी, ये सारे खेत भरे हुए थे लेकिन अभी ये सारे खाली हो गए, साइड में आपको दिख रहे होंगे तो भरे हुए पर उतने नहीं। हाँ तो भाई आज की इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे भाई, अभी इस टाइम पे ट्रिप करना सही रहेगा नहीं रहेगा फैमिली के साथ में मानसून जैसे, बारिशें हो रही हैं मानसून में, तो गोवा में आना कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, कि कहीं ट्रिप पूरी धुल तो नहीं जाएगी या फिर कहीं फंस तो नहीं जाओगे, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में अभी चल के डिस्कस करते हैं। बीच साइड जा रहे हैं तो बीच साइड ही बैठेंगे, थोड़ा बीच भी आपको दिखाएंगे, और हमें भी कई दिन हो गए अपना गोंडा बीच देखे हुए तो भाई वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, तो आपको सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। अगर आप रिसेंट अभी ट्रिप कर रहे हो जुलाई में या फिर बारिशों के टाइम पे अगस्त में, जुलाई सबसे ज्यादा बारिश वाला मौसम है। हाँ जुलाई एंड मिड अगस्त तक हाँ। काफी बारिश रहती है इधर। तो जी ये थोड़ा सा माहौल है अपने अगोंडा बीच की तरफ का, जो रोड है मार्केट रोड उसका, तो बिल्कुल सन्नाटा सा एकदम है ना, तो अभी टूरिस्ट नहीं है इस टाइम पे इतना ज्यादा, नहीं एक भी नजर आ रहा है। हाँ ज्यादा कुछ अभी ऐसा नहीं मिलने वाला, ये है बिल्कुल खाली, सब पैक है इधर। हाँ मार्केट तो पूरा बंद है मतलब अगोंडा बीच का। अगर आप वैसे ही रिलैक्स करने के लिए आ रहे हो देन ओके, बट मार्केट उर्केट चाहिए तो वो नहीं है, जो एक दो खुले भी है ना सपोज रेस्टोरेंट या एक दो होटल्स वगैरह खुले हैं वो सब पे भी खाली है, कोई बंदा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, या तो सुबह भी है ना अभी। हाँ ये भी है लेकिन गाड़ियाँ तो पार्क दिखती है सुबह सुबह। हाँ ये भी है, तो जी पहुंच गए हैं बीच की तरफ, और मौसम है थोड़ा थोड़ा खुला हुआ, आज इतना खुला हुआ भी नहीं है, बादल है, और ये इधर देखो पहाड़ों में ना ऊपर बिल्कुल ऊपर कोने पे वहाँ पे बादल है,
ये वाले एरिया में काफ़ी बादल है, और अगोंडा बीच हो रखा है जी ऐसा। अभी ये देखो ऐसा कुछ हो रखा है, लो टाइड हो रखा है आज, तो भाई आज इधर की तरफ हम रनिंग कर सकते हैं। बाकी दूर दूर तक कोई मानस नहीं दिखने का आपको भाई यहाँ पे अगोंडा बीच पे, उधर से देख लो और उधर तक पूरा खाली है, गायें जरूर दिखेंगी यहाँ पे। और एक ये कोई बंदा भाई घूम रहा है, भुला भटका आई है कोई बेचारा, ये कोई बंदा घूम रहा है भुला भटका है बेचारा, कोई घर उर से लड़ाई उड़ाई करके आ गया, बीवी वीवी ने भेज दिया उसको। और जी इधर ये क्या पड़ा है मोनिका, ये कोई लक्कड़ सा आया है ना, पहले नहीं था है ना, अभी आया कोई पूरा पेड़ यहाँ पे आया है देखो बीच पे, पहले नहीं था ये। हाँ नहीं ये तो चलो पहले पड़ा था, ये क्या बहुत से ऐसे हैं, ये पहले ना रेत में दब जाते हैं और अभी रेत हटता है ना तो ये सब हाँ दिखने शुरू हो जाते हैं, वो वाला ना हाँ ये जरा सा दिख रहा था, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ये तो मुझे लग रहा है अभी आया हवा हवा से। हाँ तो ये हो रखा है अपना ऐसा कुछ अगोंडा बीच। चलो बात करते हैं अब मुद्दे की, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ऐसे मौसम में भाई। तो जी थोड़ी सी हवा तेज चल रही है, हो सकता है थोड़ा सा आपको जो है आवाज़ में डिस्टर्बेंस लगे हल्का माड़ा। तो जी अगर हम बात करें, देखो जो भी मैं अपडेट वगैरह देता हूँ वो देता हूँ जानकारी के लिए, मैं किसी वीडियो में यो नहीं बोला है कि भाई आप अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो या फिर बारिश लगातार पड़ रही है तो आपकी ट्रिप ख़राब हो जाएगी, ऐसा कभी हमने बोला नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, क्वेरीज है, बेचारे जो रिसेंट में ट्रिप कर रहे हैं तो वो बहुत सारे घबराए हुए हैं कि भाई जाना चाहिए नहीं जाएं, बच्चों के साथ में जाएंगे तो कहीं फंस ना जाएं। तो देखो यहाँ की जो बारिशें हैं, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे बारिश आती है और 4-5 घंटे 6 घंटे लगातार बारिश पड़ गई ना तो उसके बाद में फिर 2-3 घंटे आपको घूमने को मिल जाते हैं, खुला मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम गए थे अभी नॉर्थ गोवा घूमने, आपने वीडियोज देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके देख लेना। तो नॉर्थ गोवा जब हम गए थे इधर से लगातार बारिश थी सुबह से लेके और शाम को 5 बजे तक 4 बजे तक लगातार बारिश थी। 4 बजे के बाद में जब हम होटल वोटल पहुंच गए उसके बाद में बारिश रुक गई शाम को, तो हम 2-3 घंटे आराम से घूमे हम। उसके बाद मतलब बागा मार्केट भी घूम के आए हम, कैंडोलिम भी घूम के आए हम, कलंगुट साइड भी घूम के आए, तो मतलब वो सारी चीज़ें हमने करी। तो होता यही है कि भाई आप ना ऐसा नहीं है कि फंस गए एकदम, बस हम जो वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं आपको अवेयर करने के लिए भाई ऐसे में ना आप ऐसी कोई गलती ना करो जिससे क्या कोई दिक्कत हो जाए आपके लिए। जैसे क्या आप बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है वहाँ पे मस्ती करने चले गए या वाटरफॉल में जाके फंस गए कहीं पे, तो वो वीडियोस बनाने का मतलब होता है लेटेस्ट अपडेट, मतलब अभी भाई ऐसा सीन चल रहा है तो आप ये गलतियाँ ना करो जिससे क्या आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमने बोला भी बहुत बारिश हो रही है रेड हाँ। अलर्ट है, तो रेड अलर्ट ऐसे नहीं कि आप घर से ही मत निकलो, बिल्कुल ऐसे है कि भाई वाटर बॉडीज के पास मत जाओ, जो फॉल्स हैं, सी है हाँ। और जो भी मतलब वाटर की एक्टिविटीज है वो मत करो। हाँ अब जैसे देखो कल की बात करूँ तो वही कल हम पूरा मार्केट वगैरह ना बारिश में ही करके आए और मुझे लग रहा था आज बारिश रुकेगी नहीं शाम तक शायद, लेकिन 2 बजे के बाद से बारिश जो बंद हो गई और 2 बजे के बाद से फिर शाम को बारिश पड़ी, जो आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने जो वो वीडियो कल शाम से स्टार्ट किया था कि भाई बारिश रुक गई है और अब जो है मौसम खुल गया है, कैफे ओपन कर लिया अपना, उसके बाद में फिर शाम को बारिश पड़ी, उसके बाद रात भर बारिश नहीं पड़ी आज हाँ। और आज सुबह से भी बारिश ऐसी नहीं है, हल्की है, हल्की हल्की बूंदें हैं, तो ऐसे आती रहती है जाती रहती है। अब आज का दिन मुझे पूरा पता है कि अभी सुबह में खुलेगा तो शाम को बारिश होगी, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी ट्रिप खराब कर लेनी है, ट्रिप करो फुल मस्ती करो फुल एंजॉय करो आप आके भाई। देखो अगर बारिशों में ट्रिप का प्लान कर रहे हो ना तो बारिशों को एंजॉय करो क्योंकि हाँ। बारिशें ही इस टाइम का जो मेन चाम होती है वो बारिशें ही होती है, बिल्कुल। और मौसम से घबराने की जरूरत नहीं है आप, बस ठीक है 5-6 घंटे की बात है या एक दिन की बात है तो आप आराम से होटल में बैठ के एंजॉय कर सकते हो भाई हाँ। और बाकी आप रेनकोट वगैरह लेके घूम सकते हो या गाड़ी से घूम रहे हो तो वैसे जा सकते हो हाँ। तो मेन जो मकसद होता है भाई लेटेस्ट अपडेट का ये होता है कि आप कोई ऐसी गलती ना करो जिससे कि आपको दिक्कत हो, मेन तो ये रहता है। बट अगर आपने अपनी ट्रिप प्लान कर रखी है तो भाई अपनी ट्रिप ख़राब मत करो, मज़े करके जाओ गोवा में और फुल मस्ती कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है।
पर हाँ ये है कि बीच बीच हाँ बीच बारिश थोड़ी बाधा डालती रहती है, तो उससे भाई झेलना पड़ेगा। अब बारिशों में आ रहे हो तो भाई बारिश से तो मिलेंगी ही मिलेंगी। देखो अगर बारिशों में आपने ट्रिप प्लान करी है ना, तो ये सोच के मत करो प्लान कि बिल्कुल बारिश मिलेगी ही नहीं। हाँ तो मॉनसून सीजन में भाई ये चीजें तो आपको मिलनी है। और बस हाँ जिस दिन ज्यादा बारिश हो गई ये हो गया, तो भाई हाई अलर्ट वगैरह हो गया, रेड अलर्ट हो गया, तो उस दिन आपको जो है ज्यादा केयरफुल रहना है बस पानी वाले एरियाज में। बाकी आप मस्ती कर सकते हो, घूम सकते हो, और बच्चों के साथ भी ट्रिप कर रहे हो तो आराम से करो आप। बस रेंटल में आप गाड़ी ले लो बच्चों के साथ, क्योंकि बाइक पे ना बच्चों की हालत खराब हो जाती है, स्कूटी में भीग उग जाते हैं, थोड़ा बीमार उमार होने का खतरा रहता है, तो बस इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जी आराम से मस्ती कर सकते हो आप आके गोवा में, तो अपनी ट्रिप रुइन मत करो किसी की वजह से भी। अगर आपका आने का मन है तो आ जाओ, और जो दिल में होना चाहिए वो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो भाई उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। हाँ तो जी ये मुझे लगा कि आपको ना बताना चाहिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि आएँ या ना आएँ, ट्रिप कैंसिल कर दें या फिर ना करें। तो भाई ट्रिप कैंसिल करना फिर तो वो मतलब आपने प्लान ही क्यों करी थी अगर बरसातों में, फिर तो आप अक्टूबर के बाद प्लान करो अगर आपको बारिश से बिल्कुल पसंद नहीं है तो। हाँ अभी तो मिलेंगी कैसे, हाँ अभी तो मिलेंगी मिलेंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बारिश मिलेगी नहीं। हाँ पर ये है किसी दिन पूरा दिन मिल गई तो अगले दिन आपको खुल जाएगा, मतलब खुला मिलेगा। अब देखो मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था खुला हुआ वेदर है, इधर से देखो खुला हुआ है, सी का कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। थोड़ी देर में एक ऐसा झरना आएगा तखड़ा वाला, सबको ख़त्म कर जाएगा। उधर की तरफ बारिश होनी शुरू हो गई है, ये देखो ये मतलब पहाड़ दिखने बंद हो गए ना तो बारिश होनी शुरू हो गई, तो ऐसा रहता है और ये चलता रहता है। और ये वाला देखो अभी यहाँ पे कुछ भी बादल नहीं थे, अभी देखो और ज़्यादा बादल हो गए और पूरा काला हो गया, ये पहले बिल्कुल भी बादल नहीं थे जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, और 5 मिनट के अंदर इतने बादल आ गए और बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई हल्की हल्की। तो ये सीन तो भाई अभी मिलते रहेंगे आपको, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका मज़ा लेना है, इनको एन्जॉय करना है मस्त तरीके से, और बोल देना है कि भाई जितनी बारिश होगी हमें उतना ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। सो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी मतलब हमने बताया वो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर ट्रिप कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ट्रिप करो, बच्चों के साथ भी कर रहे हो तो भी अच्छे से करो, फैमिली के साथ, मतलब बच्चों से मतलब होता है फैमिली, हमारे लैंग्वेज में यही बोलते हैं कि भाई बच्चे साथ में आए हैं मतलब फैमिली साथ में आई है। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना वीडियो को आगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, और वो भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो घबराए ना, आ जाएं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।